सुखी और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के साथ खाना शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि खाना आप लोग कितना कोई बंदा खाएगा, है कि नहीं। तो खाना तो बना दिया है। आज आप लोगों के साथ एक ब्लाउज की कटिंग और सिलाई शेयर करना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो अच्छा सिलना ही है तो आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। और मुझे ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन हाँ जितना आता है ना उतना पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग मतलब समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि मैं कैसे सिलती हूँ अपने तरीके, जो मेरे तरीके हैं। तो मैं घर पे ही सिलती हूँ हमेशा, जब भी कोई सिलाई शेयर करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ बताती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन जो भी सिलती हूँ अच्छा सिला जाता है। बात रही समझाने की तो कोशिश करूँगी कि अच्छे से आप लोगों को समझाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने ब्लाउज को लो, जो पुराना वाला ब्लाउज है आपका सबसे फिटिंग ब्लाउज है उसको लो, और इस तरह से आप सभी पॉइंट को एक एक पॉइंट पे अच्छे से नाप लगा लो, कि जब हम आप अच्छे से नाप लगाओ ने 100% आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। मैं कोई कभी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ, मैं पहले ही अपना ब्लाउज जो था ना पुराने वाले को खोल के ब्लाउज उसी के ऊपर कपड़े रख के इस तरह से मैंने सीखा था। मैं कभी भी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ मतलब, और जो भी आप चाहो आज इस समय जो चाहो हमसे सिलवा लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हो जाए। तो नाप यहाँ पे मैं अपने ब्लाउज का लगा रही हूँ, तो जिसे हमने 16.5 इंच पे इसकी लंबाई लेंथ लगा लिया है, 2 इंच पे गले का चौड़ाई लगा लिया है, बाकी गहराई जो गले का है 7 इंच पे हमने निशान लग गया, आर्म होल का 5.5 इंच पे हमने निशान लग गया, और यहाँ जो हमने बेल्ट लगाना है तो यहाँ पे हम 6 इंच पे बेल्ट का निशान नीचे का लगा रहे हैं, और 3 इंच पे हमने ये डॉट जो डॉट और या प्लेट लगता है यहाँ पे इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। तो ये बेल्ट वाली ब्लाउज बना रही हूँ, तो यहाँ पे बेल्ट पे हमने लगा दिया 6 इंच नीचे से, 4 इंच नीचे रहेगा, ऊपर से 6 इंच की हमने कट किया है, और सारे जो प्लेटें हैं उससे था। ये चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी आप ब्लाउज सिल रहे हो ना तो नाप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, नाप के ऊपर ही निशान लगाइए। और हाँ गले जो होते हैं बाजू का होते हैं, तो इस तरह गोलाई में आप इस तरह से इंची टेप से नाप लीजिए कि कितना आपका जो है बाजू है, तो उस हिसाब से आप कटिंग करिएगा। वैसे तो 5.5 इंच हम लोगों के साइज, जैसे XL साइज ब्लाउज है तो 5.5 इंच पे मैं कटिंग करती हूँ। और बैक पार्ट को हमने क्या करना है, इस तरह से कट कर, जैसे फ्रंट पार्ट जो था इसे बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे, और थोड़ी से 1 इंच का इसे गैप देते हुए, मतलब 1 इंच इससे छोटा, जैसे हमने 16.5 लिया ना, तो ये पीछे वाला जो पार्ट है हमने इसे 15 इंच पे ही कट कर देना है, क्योंकि ज्यादा इसमें नहीं लगेंगे। आगे वाला जो पार्ट होता है उसमें जो डॉट वगैरह डालते हैं हम, प्लेटें डालते हैं, तो उसमें खींचता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बड़ा रहता है। अब बिल्कुल निशान के ऊपर से जो है कटिंग करना है, बिल्कुल भी हमें वो नहीं करना कि, और ये जो कट कर रही हूँ ना इसे गहराई बोलते हैं, ये कट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पीछे वाला जो गला है वो भी हम कट कर लेते हैं, सेम अभी किया, लेकिन बाद में हम इसको जो है थोड़ा सा गहराई कट कर देंगे। तो 2 इंच और बढ़ा दिया है, तो जैसे 7 इंच था ना अभी इस समय 9 इंच हो गए हैं, ठीक है। तो 2 इंच हमने और कट कर देना है गोलाई में। पीछे वाला जो मतलब बैक पार्ट का जो डॉट होते हैं या प्लेट बोलते हो, तो ये भी हमने निशान लगा लिया है नाप के, 4 इंच पे लगा दिया है दोनों तरफ का, और यहाँ पे हमने बेल्ट की कटिंग कर लेनी है। तो मैं ये जैसे मैं एक ही चीज आपको बार बार समझाऊंगी, मैं निशान कैसे लगा रही हूँ आप देख सकते हो, मतलब मैं इसी वीडियो का बताने का रीजन यही था कि जब मैं कभी सिलाई सीखने नहीं गई हूँ और आज इतना बढ़िया सब लोग कहते हैं, मैं अपनी तारीफ क्या करूँ, जो मतलब जब मैं कभी सिलाई सीखने नहीं गई आज इतना अच्छा मैं सिल सकती हूँ, तो 100% फ्रेंड्स आप तो सिल सकते हो यार, जब मैं कर सकती हूँ मैं तो मुझे अपने आप को सबसे बुद्धू मानती हूँ, तो मैं अगर कर सकती हूँ तो आप पक्का कर सकते हो, बस थोड़ी सी कोशिश करने की देर है। घर में हम बैठे रहते हैं से अच्छा कुछ काम में मन लगाइए, और जब हम काम में बिजी रहते हैं ना तो हमारा दिमाग भी इधर उधर नहीं जाता है और हमारा काम भी हो जाता है, और कहीं ना कहीं एक चीज होता है ना कि आपका जो है कहते हैं ना कि मनोबल बढ़ता जाता, हौसला बढ़ता है इन सब सारी चीजों को करने में। टेलर्स के पास अगर हम जाते हैं तो हमारा ब्लाउज कभी कभी तो महीनों पड़ा रह जाता है उनके पास, उनके पास समय नहीं होता है या कुछ कुछ रीजन निकल जाता है, और कई बार तो हमारे जो ब्लाउज होते हैं ना वो बहुत बुरी तरीके से खराब भी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर छोटी सी कोशिश हम करके और अपना काम खुद कर सकते हैं तो क्यों क्या हर्ज है ये करने में। तो फ्रेंड्स यही था आज का ये मतलब वीडियो है कि मतलब आप लोगों को मैं बताना चाह रही थी कि, मगर मैं दोबारा वही बोलूंगी, आप लोग कहोगे बार बार एक ही वर्ड दोहरा रही हो, लेकिन हाँ क्या करूं,
मैं बता रही हूँ कि मतलब मैं कभी नहीं सीखने गई हूँ, तो इसलिए मैं अपना वही चीज बताती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो देखिए ये मैं कट कर रही हूँ ना, ये जो काज पट्टी वाले, काज और पट्टी वाले बटन होते हैं वो कट कर लिया, और आड़ा टेढ़ा जब हमने कट किया है, ये गले का जो पाइपिंग है वो बनाएंगे, तो 1 इंच की हमने कटिंग करी है, और जो हमने काज वाला बनाया है इसे 2 इंच पे, और जो कटिंग बटन करनी के है लिए तो पट्टी सिलाई के लगाया बारे है वो में 3 इंच पे पहले तो हमने कट धागा कर चेंज लिया करना है। पड़ेगा। जब भी आप कोई कपड़े सिलो ना तो पहले तो धागे के अच्छे मैचिंग लाओ, क्योंकि जब थोड़ी सी फिनिशिंग कम होती है ना, अगर अच्छे से मैचिंग रहता है धागा का तो बहुत सुंदर सिलाई होती है। तो मैं भी वही करूँगी, सबसे पहले इसका जो है धागा चेंज कर दूंगी। नीला ब्लाउज है तो मैं तो अब हम पीछे वाला प्लेट डालेंगे, जैसे मैंने कहा कि धागा मैचिंग का होना चाहिए तभी अच्छा लगता है सिलाई वगैरह, तो यहाँ पे मैचिंग का ही धागा बिल्कुल लगा दिया था। तो पीछे वाला जो मतलब बैक पार्ट का हमने जो प्लेटें हैं वो डाल देंगे, उसके बाद क्या करना है आगे वाले सारे प्लेटें हम ऐड डालेंगे। तो जैसे हम निशान लगा रखे हैं ना, बिल्कुल निशान के ऊपर ही करना है, अगर हम इधर उधर करेंगे तो जो हमारा ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा। तो निशान पे ही आप थोड़ा आराम से सिलिए, ध्यान से सिलिए, तो आपके निशान के ऊपर ही, जितनी दूरी पे आपका निशान लगा उतनी दूरी पे ही सिलाई करिए, मतलब आगे पीछे मत करिए। और जो कटोरी बनाते हो ना, अगर वो गोल नहीं बन रहा है आपसे तो आप बीच में एक चूड़ी रख लीजिए, जैसे आपके ब्लाउज अपना नाप लिए ना, और उस नाप के हिसाब से आप एक बीच में चूड़ी रख लीजिए, उसी हिसाब से जो है प्लेटें लगा दो, तो जो कटोरी बनेगी ना बिल्कुल गोल बनेगी, तो आड़ा टेढ़ा इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेल्ट लगा देते हैं। तो सारे डॉट वगैरह लगाने के बाद हमने जो है बेल्ट लगा लेना होता है। बेल्ट ध्यान से लगाइएगा, कभी कभी जब हम नए नए सिलाई से सीखते हैं ना तो ये इधर उधर हो जाता, मतलब इस तरफ का उस तरफ हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत ही चीजें ऐसे हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, जब कोई बिजी होके काम करते हैं तो ये चीजें तो होती रहती हैं, और जबकि हम नया करते हैं अपनी मर्जी से अपने दिमाग से करते हैं तब खास कर होते रहते हैं, जबकि सिखाने में उतनी दिक्कत नहीं होती है। तो अब हम लगा देते हैं, सारे प्लेटें हमने लगा दिया है और उसके बाद बेल्ट भी सिल दिया। ये काज के लिए हम बना रहे हैं, तो जैसे काज बटन वाले पट्टी होते हैं ना, तो इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, ये बटन के लिए रहेगा, तो इस तरह से 2 फोल्ड मार के इसी के बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई कर देना है। मुझे नहीं पता फ्रेंड्स कि मैं समझा पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी भाषा, मतलब ये सबका बोलने का ढंग होता है अलग अलग होता है, तो मेरा फ्रेंड्स यही तरह से है, प्लीज थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, अब मैं जो निशान लगाई थी ना कंधे के ऊपर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बिल्कुल निशान। अच्छा एक चीज बताऊँ, जब आप ब्लाउज की कटिंग करते हो तो कई लोग होते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करते हैं, जैसे मार्जिन के लिए हम 2 इंच कपड़ा छोड़, कई लोग तो 4 इंच कपड़े छोड़ देते हैं। जब आप 4 इंच कपड़े छोड़ रहे हो ना, तब वहीं पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है। आप मार्जिन के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 इंच कपड़े ही छोड़िए, और जो बाकी चीजें हैं ना उसको भी आप ध्यान से कपड़े के जब छोड़ोगे बहुत ज्यादा ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि अरे यार इसमें इतना ज्यादा कैसे आ गया है। अच्छा सारे डॉट वगैरह लगाने के बाद एक नाप आप जरूर लगा लीजिए वापस से, अब ब्लाउज का आप पहले नापे ना, तो उसी हिसाब से आप कटिंग कर दिए। अब साइड वाला जोड़ लगाने से पहले एक नाप आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो अभी मैं लगा रही हूँ इस समय, तो आप देख सकते हो सभी हमने जोड़ लिया है, कंधा वगैरह हमने जोड़ दिया है, और यहाँ पे जो है बिल्कुल सही नाप लगा रही हूँ। अब इसी के ऊपर हमें जो सिलाई कर लेना है दोनों पार्ट का, तो आप इस तरह से रखिए, जो बैक पार्ट में जो है एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट करके बिल्कुल भी निकाल दीजिए। तो थोड़ा थोड़ा आप देखिए, जैसे डॉट वगैरह जब हम लगाते हैं ना, तो आगे वाला जो पार्ट होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, तो इसी हिसाब से आप जो साइडों में कपड़े बढ़े हुए हैं उसको आप कट कर दीजिए बिल्कुल बराबर से, तो बिल्कुल भी आप देखिएगा बिल्कुल नहीं खराब होंगे। आप इस तरह से आप अगर सिल रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं खराब होंगे। अब बारी आती है बाजू जोड़ने के, तो बाजू हम तो गोल में भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं पे जब टाइट और ढीला हो जाता है तो हमें कई बार बहुत परेशानी होती है उसको खोलने में। तो जब सीधी बाजू हम जोड़ते हैं, सीधी सिलाई लगाते हैं ना, तो उसमें आप कभी भी ढीला और टाइट कर सकते हो, उसमें बिल्कुल दिक्कतें होती। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल सेंटर पे बाजू पे निशान लगा के कट लगा लिया है, अब इस तरह हम रखेंगे और गोलाई में सिलते जाएंगे। छोटी छोटी चीजें फ्रेंड्स बहुत मायने रखता है, जो है कि भाई छोटी चीज है इस पे ध्यान नहीं गया, वही चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ इस पे ध्यान नहीं। तो देखिए अब हमने इसमें को गोलाई में हमने लगा लिया है सिलाई, लेकिन अब क्या करना है ना, दोनों पार्ट को हमने इधर से पकड़ना है, और देखिए
बस अब हम सीधी सिलाई लगा देना। जब सीधी सिलाई हम लगाते हैं, बाजू को अलग से नहीं जोड़ते हैं, तब हम कभी भी इसे टाइट करें, ढीला करें, और जब भी सिलें तो आप दो सिलाई ज़रूर लगा दें, आधे इंच इंच पे दो दो तीन तीन पॉइंट जो है गैप करके, तो ज़्यादा सही रहता। तो दोनों पार्ट हमने सिल लिया है, अब बारी आती जो पाइपिंग लगाने के लिए। तो जब पाइपिंग आप लगाते हो ना, तो क्या करो, थोड़ी सी पाइपिंग वाला जो कपड़ा होता है पट्टी, हल्का से इसे खींच कर रखो। जब इसे खींच कर रखोगे हल्का सा, तो ये हमारे पाइपिंग है बहुत सुंदर बनती है, मतलब पतली सी बनेगी और सुंदर बनेगी। और जो कंधा सरकता है, कई बार होता है ना कि गला सरक जा रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये रहा फाइनल लुक ब्लाउज का। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ब्लाउज बनके तैयार हो गया है। जो प्रोफेशनल होते होंगे तो आधे घंटे के अंदर सिलते होंगे, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कभी कभी सिलते हैं तो एक घंटा तो लग जाता है, मेरा तो एक घंटा लग जाता है। और जो 15-20 मिनट कटिंग में लग जाए उसके, मतलब बहुत आराम से पहले पुरानी ब्लाउज को नापती हूँ अच्छे से, फिर इसको सिलती हूँ, तो थोड़ा सा तो समय जाता है बट हो जाता है। तो आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज के वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, बने रहने के लिए।